आज हमारे टॉप 7 फाइनलिस्ट्स का इम्तिहान होगा रोमांटिक गानों पर. तो बुलाते हैं हमारे पहले फाइनलिस्ट को, जो फितरत से ही काफी रोमांटिक हैं. इनफैक्ट इनकी एक नहीं कई सारी गर्लफ्रेंड्स का नाम है. बता दें देवेंद्र, बता दें. हाँ, हाय, शर्मा गया रहा यार. इनकी गर्लफ्रेंड्स का नाम है सुर, ताल, राग, आलाप, जिनका संगीत ही पहला प्यार हो. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग लुधियाना से देवेंद्र पाल. तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गए. जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन थम गया आसमां. जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा. सहरा में रुकते चलते होते इन होठों की हसरत में तपते जलते होते. मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां. जाने मन जाने जा तुमने मुझे पहुंचे. खत्म से हो गए रास्ते सब यहां. जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गए. जाने जा तुमने मुझे देखा. जो आपने गाया सुर में गाया, बहुत अच्छा गाया, फीलिंग से गाया. जो रफी साहब ने जगह नहीं कही थी वो भी आप कह गए. ये गाना पंचमदा ने जो कंपोज किया है वो इतना मुश्किल कॉम्पोजिशन है. कहाँ पे अंतरा शुरू, और देवेंद्र आपने कमाल कर दिया यार. ऐसी ऐसी हरकतें ली, इतना अच्छा गाने को निभाया. मुझे लग रहा है आपका ग्राफ एकदम, कहाँ आप उड़ रहे हो एकदम अभी. देवेंद्र आज सच में आपने मेरा दिल जीत लिया. इतना सुकून से, इतना प्यार से आपने गाना गाया. जितनी बार भी आपने आज तक गाया मैं आज सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ. देवेंद्र, इंडियन आइडल का जो ये मंच है, यहाँ वही आ सकता है जिसकी आवाज में बहुत दम हो. आज तुमने प्रूव कर दिया कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. इंडियन आइडल मैं बन सकता हूं और मैं बन के जाऊंगा. और तुमने ऐसी ऐसी जगहें ली है देवेंद्र कि आज सारा पंजाब और सारा हिंदुस्तान झूम उठेगा, बोलेगा दिस इज द इंडियन आइडल. फैंटास्टिक, क्या बात है. इस रोमांस एपिसोड की इतनी तोड़ू शुरुआत हुई है हुसैन. आइए हमारे गेस्ट से पूछते हैं. सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि देवेंद्र जी आप प्लीज मुस्कुरा दीजिए. थैंक यू, क्योंकि सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं और ये ऐसे सबसे अच्छा गाना गाया. इससे पहले इतना अच्छा आपने कभी नहीं गाया. आप इंडिया की शान हो, क्योंकि रितेश आप इंडियन आइडल बन सकते हो. आप प्लीज हंसिए, क्योंकि इतनी तारीफ बहुत कम लोगों को मिलती है. ये हम लोगों का नसीब है कि हम लोग आपको लाइव सुन रहे हैं और बहुत अच्छा गाया. गुड लक एंड ऑल द बेस्ट.
आज रोमांस का थीम चल रहा है तो आपकी गायकी में रोमांस का होना बहुत जरूरी था एंड दैट्स व्हाट आई थिंक जिससे आपने बाजी मार ली, आप पूरी तरह रोमांस लेकर आ गए. मुझे लगता है आप सबसे बड़े छुपे रुस्तम हो. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.